वेलकम टू इनविक्टा कोडर्स। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि कैसे अब यहाँ पे सबमिट मतलब यहाँ पे आईडी डालने के बाद अब एडिट का ऑप्शन खुल रहा है, कैसे एडिट फंक्शन कैसे करते हैं। तो पिछले कुछ वीडियोस में हमने डेटाबेस में डेटा इंसर्ट कैसे करते हैं, अपडेट कैसे करते हैं, और हम लोग वो यहाँ पे इंसर्ट कैसे किया जाता है और शो कैसे करते हैं टेबल के फॉर्मेट में या सिंगल रो फॉर्मेट में, तो वो हम लोगों ने डिस्कस करा था। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे डिलीट कैसे करते हैं। तो यहाँ पे कोई भी व्यक्ति अगर आईडी डाल के सबमिट करता है तो वो आईडी डिलीट हो जाना चाहिए। तो इस टाइप का सिस्टम हम लोग बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं दो फील्ड पड़ा हुआ है, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे कोई भी आईडी डाल के सबमिट करे तो डिलीट हो जाए। ओके, तो इसके लिए चलते हैं कोडिंग शुरू करते हैं। तो मैं नॉर्मल ये क्रूड वाले फाइल पे ही कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक फाइल बना लेता हूँ, डिलीट डिलीट डॉट पीएचपी। ठीक है, डिलीट डॉट पीएचपी। तो यहाँ पे हम लोग ये चेक करेंगे, पहले ऐसा ही एक फॉर्म बना लेंगे वहाँ पे। तो मैं फॉर्म बना लेता हूँ, एक फॉर्म के अंदर क्या रहेगा, इनपुट टाइप इक्वल्स टू नंबर, क्योंकि आईडी हम पास करने वाले हैं, नंबर पास करेंगे। तो यहाँ पे नेम में ले लेता हूँ आईडी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक बटन ले लेता हूँ सबमिट करने के लिए। तो बटन का नेम दे देते हैं डिलीट। ठीक है, और बटन का टाइप हमें देना पड़ेगा, बटन टाइप इक्वल्स टू सबमिट। ठीक है, तो अब हम लोग एक बार इस पेज को रन करके देखते हैं। तो क्रूड के अंदर हमारा जो फाइल का नेम है डिलीट डॉट पी एच पी। ठीक है, ये हमारा डिलीट डॉट पी एच पी। यहाँ पे मैं अगर वन लिख के एंटर मारता हूँ तो क्या होगा कि नंबर वन का जो ये है, ठीक है, आईडी नंबर वन डिलीट हो जाना चाहिए। तो ऐसा हम लोग एक बनाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम पीएचपी स्टार्ट कर लेते हैं। पीएचपी पहले हमें कनेक्शन बनाना पड़ेगा। तो कनेक्शन मैं बना कैसे बनाते हैं वो मैंने बहुत बार दिखा चुका हूँ। तो मैं काम करता हूँ दूसरे एक फाइल से, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, डिलीट। तो यहाँ पे कनेक्शन मैंने डाल दिया। कनेक्शन में बेसिकली क्या होता है, आपको लिखना पड़ता है माई एस क्यू एल अंडर स्कोर कनेक्ट, जहाँ पे शुरू में आपको लोकल होस्ट, उसके बाद डेटाबेस का नेम, ये रहा डेटाबेस का नेम, एंड उसके बाद डेटाबेस का पासवर्ड एंड डेटाबेस का यूजर नेम डाल देना होता है। अगर ये कंडीशन प्रॉपर नहीं होता है तो क्या होगा कि कनेक्शन फेल दिखाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये फॉर्म के अंदर क्या होगा, जब डेटा हम लोग यहाँ पे डाल रहे हैं वन जैसे डाल के हम सबमिट करते हैं, देखिए साइड में लिखा हुआ आ रहा है आई डी इक्वल्स टू वन। तो हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, इफ इस सेट डॉलर अंडर स्कोर गेट, गेट के अंदर क्या वैल्यू आ रहा है आईडी। ठीक है, तो आईडी अगर सेट रहता है तो इसके अंदर का कंडीशन काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कंडीशन लिख लेता हूँ, एस क्यू एल डॉलर एस क्यू एल इक्वल्स टू। तो डिलीट करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा डिलीट फ्रॉम टेबल नेम। टेबल का नेम क्या है, कहाँ से डिलीट करने वाले हैं, यूज़र से। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं यूज़र यूज़र। तो कहाँ से हमें डिलीट करना पड़ेगा, डिलीट फ्रॉम यूज़र वेयर, जहाँ पर आई डी इक्वल्स टू क्या होगा, ये वाला आई डी। तो इसको हम एक वेरिएबल पे डाल लेते हैं, आई डी इक्वल्स टू ये वाला डॉलर अंडर स्कोर गेट। तो ऐसे हो गया। तो इस वाले आई डी का जो नाम है ये हमने आई डी पे डाल लिया। तो हमने यहाँ पे क्या कमांड में दिया कि डिलीट फ्रॉम यूज़र वेयर आई डी इक्वल्स टू आई डी। तो आई मतलब इस आई डी का जो रो है वो डिलीट हो जाएगा। और यहाँ पे कर देते हैं एस क्यू एल, सॉरी क्वेरी चला देते हैं, क्वेरी इक्वल्स टू माई एस क्यू एल आई अंडर स्कोर क्वेरी। ठीक है, क्वेरी में हम क्या रन करेंगे, पहले कनेक्शन उसके बाद स्टेटमेंट एस क्यू एल। ठीक है, हो गया। तो यहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि जब डिलीट हो जाए तब हमारे पास एक मैसेज आ जाए, तो वो तो हम बाद में कर सकते हैं। चलिए पहले हम टेस्ट कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो ये साइड को हम कट कट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, दो नंबर आईडी को मैं डिलीट करना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए दो नंबर आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, दो पे मैं क्लिक किया, डिलीट पे क्लिक किया। ठीक है, अब चेक करते हैं, यहाँ पे देखिए दो नंबर का आईडी डिलीट हो गया। ठीक है, मैं अगर यहाँ पे वन प्रेस करूँगा तो पहले मैं इसका कॉपी कर लेता हूँ दो तीन। ठीक है, कॉपी कॉपी। तो देखिए हम चाहते हैं कि चार और तीन को डिलीट करना है, या फिर तीन को डिलीट करना है। तो तीन को डिलीट करने के लिए हम यहाँ पे थ्री प्लेस करेंगे और यहाँ पे डिलीट बटन पे क्लिक करेंगे। देखिए यूज़र में से थर्ड नंबर जो रो है वो डिलीट हो गया।
तो इस तरह से डिलीट फंक्शन वर्क करता है। और इसके साथ और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, अगर यहाँ पे एक कंडीशन आप लगा सकते हैं, इफ डॉलर क्वेरी इक्वल्स टू ट्रू, अगर ये क्वेरी चल जाता है तो हम क्या करेंगे कि इको कर सकते हैं रो डिलीटेड, डिलीटेड सक्सेसफुली। तो इस टाइप का जो मैसेज है इसको भी हम प्रिंट कर सकते हैं। तो देखिए ऐसा मैसेज आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनल में और एक बार टेस्टिंग करके दिखा देता हूँ। नंबर 4 को हमें डिलीट करना है, तो मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ 4, डिलीट पे क्लिक करता हूँ, रो डिलीट हो गया। अब देखिए 4 नंबर भी डिलीट हो गया, ठीक है। तो बहुत ही आसान है। तो इस टाइप से आप डेटाबेस का जो डेटा है उसको आप डिलीट कर सकते हैं एक एक करके। तो आशा करता हूँ कुछ समझ में आ गया होगा। तो और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप चारों वीडियो देख लेना, इंसर्ट अपडेट डिलीट एंड जो लिस्टिंग करते हैं उसका डेटा जो रीड किया जाता है टेब्यूलर फॉर्मेट में या सिंगल रो फॉर्मेट में, तो वो चीज़ आप देख लेना। तो ये 4 फंक्शन आप अगर समझ गए तो आपको मतलब पीएचपी का आधा पार्ट हो गया एक तरीके से, ठीक है। तो आप ये 4 वीडियो ज़रूर देखना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।